Hi, good to see all of you and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So this is Priyanka और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9. टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सर्किल्स हैं, दिस इज बिगर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन, और ये दोनों सर्किल्स टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और सी पर. थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीडी एंड पीवीक्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट एडी एंड पीक्यू रेस्पेक्टिवली. और क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट बी से, इस वाले पॉइंट बी से यानी कि यहां से हमने दो लाइन सेगमेंट्स बनाए हैं. कौन कौन से? पहला है एबीडी, लाइक ए बी डी, जो कि पॉइंट बी से पास हो रहा है. एंड सेकेंड वन इज पीबीक्यू, पी बी क्यू, ये वाला लाइन सेगमेंट भी पॉइंट बी से पास हो रहा है. इट मींस कि ये दोनों ही लाइन सेगमेंट्स पॉइंट बी से पास हो रहे हैं और आपके दोनों सर्किल्स को यानी बिगर वन को और स्मॉलर वन को भी कुछ पॉइंट्स पर काट रहे हैं. एबीडी जो लाइन सेगमेंट है वो आपके बिगर सर्किल को पॉइंट ए पर और स्मॉलर वाले को पॉइंट डी पर कट कर रहा है. सिमिलरली जो लाइन सेगमेंट पीबीक्यू है, ये वाला लाइन सेगमेंट आपके बिगर सर्किल को कट कर रहा है पी पर और स्मॉलर सर्किल को कट कर रहा है क्यू पर. प्रूव दैट एंगल एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूसीडी. मींस हमें प्रूव करना है कि एंगल एसीपी, तो कौन सा एंगल है एसीपी? दिस वन, ये वाला जो एंगल है आपका ए देन सी देन पी, दिस इज इक्वल्स टू एंगल क्यूसीडी. सो क्यू देन सी एंड देन डी. इट मींस दिस एंगल QCD is equals to angle AC. अब इस फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसका फिगर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है. बट बिलीव मी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और मैं कहूंगी कि पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है. तो कैसे हैं एक बार देख लेते हैं. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. नाउ यहां पर फोकस करेंगे हम आर्क एपी पर, दिस वन, और इस आर्क पर अब हम ध्यान से देखेंगे कि सर्किल में इसने टू एंगल्स बनाए हुए हैं. कौन कौन से? ए सी एंड पी, ये वाला एंगल, देन ए बी एंड पी, ये वाला एंगल. इट मींस कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. लिख देते हैं एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, और इसका रीजन भी हमें लिखना पड़ेगा. थ्योरम नंबर 10.9 में बोला हुआ है दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल्स ए सी पी एंड ए बी पी, ये दोनों ही हमारे सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, यानी कि आर ए पी पर बने हुए हैं, ए सी पी एंड देन अगेन ए बी पी. तो लिख देते हैं रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. रीजन मेंशन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. सो इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन. नाउ अब हम फोकस करेंगे इस एंगल पर और इस एंगल पर, मींस एंगल ए बी पी एंड क्यू बी डी, ये वाला जो एंगल है आपका, और ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं हमारे इस शेप में, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरीके से बन रहे हैं, लाइक ये वाला जो एंगल है वो ये वाला है एबीपी, और ये जो एंगल है वो है क्यू बी डी. और जब भी दो एंगल्स हमारे इस तरीके की शेप के बनते हैं तो वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं? फिर बराबर हो जाते हैं. इसका मतलब है कि एंगल एबीडी जो है एबीपी, वो हमारा बराबर है क्यू बी डी के. तो इसको हम लिख देते हैं एंगल एबीडी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी, और यहां पर भी हम रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की पहचान होती है कि आपका ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक्स जैसा शेप बना हुआ है. सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स.
और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर टू। नाउ अगेन अब हम स्मॉलर सर्किल पर आ जाएंगे और फोकस करेंगे इस वाली आर्क पर, आर्क क्यूडी पर, और आर्क क्यूडी जो एंगल बना रही है दैट डी बी क्यू एंड डी सी क्यू। सो ये वाला एंगल जो है वो अल्टीमेटली इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोबारा देख सकते हैं हम इस आर्क से हमारे दो एंगल बन रहे हैं डी बी क्यू लाइक दिस एंड देन डी सी क्यू, ये दोनों एंगल। तो अगेन ये थ्योरम 10.9 है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, यानी कि स्मॉलर सर्किल में इस वाली आर्क की हेल्प से ये दो सर्किल, ये हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट एंगल डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू, और रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, और इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम ध्यान से देखते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। इट मींस कि ये दोनों जो एंगल हैं ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। हमें यही तो प्रूव करना है एंगल एसीपी एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। इट मींस ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर वन से टू से और थ्री से, इन तीनों की हेल्प से हम कह सकते हैं दैट एंगल एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। सो ये तीनों हमने अभी अभी इक्वल प्रूव किए थे कि एसीपी जो है वो एबीपी के बराबर है, एसीपी इज इक्वल्स टू एबीपी। अब एबीपी यही आ गया और एबीपी बराबर है क्यूबीडी के, एबीडी इज क्यूबीडी सेम थिंग, और ये अब बराबर हो गया हमारा क्यूसीडी के, यानी कि क्यूबीडी बराबर हो गया क्यूसीडी के। तो अल्टीमेटली जो ये वाला एंगल है वो बराबर हो गया इस वाले एंगल के। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, यानी कि अभी से थोड़ी देर पहले हमने जो किया था बोर्ड पर विद रीजंस, तो उन इक्वेशंस की हेल्प से फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी कैन से दैट एंगल एसीपी इज इक्वल्स टू एंगल क्यूसीडी। ये वाला पार्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आपको यही फॉलो करना है दिस इज योर फेयर वर्क, और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो है ना ये क्वेश्चन बहुत इजी, सिर्फ फिगर ही बहुत टिपिकल है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। So if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.